आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में सब टोटल फॉर्मूले का यूज करना। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हम सम फॉर्मूले की जगह अगर सब टोटल फॉर्मूले का यूज करते हैं तो हमें किस तरह का फायदा होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक टेबल क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने लिया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। मान लीजिए कि मुझे यहाँ इस क्वांटिटी का सम देखना है, ओके? मुझे यहाँ क्वांटिटी का सम देखना है तो यहाँ हम लगाएंगे सम फॉर्मूले को, क्योंकि हम क्वांटिटी के टोटल को देखना चाहते हैं। तो सम करने का जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट इक्वल। तो आप देख सकते हैं हम ऑल्ट इक्वल प्रेस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको क्वांटिटी का टोटल शो हो रहा है। उसके साथ ही अगर मुझे यहाँ अमाउंट का टोटल देखना है तो अगेन मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा, देन इंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको अमाउंट का भी टोटल शो हो रहा है। यानी कि जो सेल हुआ है वो 99 क्वांटिटी हुई है और जो जितने अमाउंट का सेल हुआ वो है 296,300। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने यहाँ फिल्टर लगाया है। ये जो मुझे 99 शो हो रहा है क्वांटिटी का, वो इन सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी सेल हुए उन सभी क्वांटिटी को सम करके मुझे यहाँ शो हो रहा है। उसके साथ ही अमाउंट का भी, जो हमने यूज किया सम फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये आंसर को लाया। अब मान लीजिए यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ मैंने फिल्टर लगाया हुआ। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ देखना है कीबोर्ड के डेटा को, तो अगर मुझे यहाँ से मैं क्लिक करके सेलेक्ट ऑन पे अनचेक करता हूँ, देन अगर मैं कीबोर्ड पे चेक लगाता हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ हमारा क्वांटिटी का टोटल दिखा रहा है 99, जो इन सभी प्रोडक्ट के क्वांटिटी को मिलाकर। अगर मैं कीबोर्ड पे चेक लगाता हूँ, फिल्टर करता हूँ, देन ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा शो हो रहा है अब वो कीबोर्ड का हो रहा है। बट आपने जो सम फॉर्मूला का यूज़ करके जो आपने क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था वो 99 आया था, वो अभी भी 99 ही है, जबकि हमने फिल्टर लगाकर डेटा को समराइज करके छोटा करके कीबोर्ड के डेटा को देख रहे हैं। तो कीबोर्ड का डेटा जो है वो पहला सेल हुआ है 10 पीस सैमसंग का, देन अगेन सैमसंग ब्रांड का कीबोर्ड सेल हुआ है 7 पीस, ठीक है? तो टोटल तो यहाँ हमें 17 शो होना चाहिए। उसके साथ ही आप देखेंगे टोटल अमाउंट यहाँ होना चाहिए 5,100, बट यहाँ शो हो रहा है हमारा सेम पुराना वाला अमाउंट जो टोटल प्रोडक्ट की अमाउंट है। तो ये एक ड्रॉबैक है अगर हम सम फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि सम फॉर्मूला जब आप फिल्टर लगाते हो तो सम फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है, वो डायनेमिकली चेंज नहीं होता है। आपने जो रेंज दिया था सम फॉर्मूला का यूज करते वक्त वो उसी रेंज को लेकर ही चलेगा। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने यहाँ टोटल लगाया था, टोटल रेंज को लिया था, इसीलिए वो टोटल का ही 99 शो हो रहा है। ये वो ये नहीं देख रहा है कि हमने यहाँ फिल्टर लगाया है, हमने यहाँ फिल्टर लगा के डेटा को छोटा कर दिया है, देन हमें क्वांटिटी का देख रहे हैं हम, तो सिर्फ क्वांटिटी का शो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है जब हम सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह करेंगे और हम किस तरह सब टोटल फॉर्मूले का यूज करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं और हम देखते हैं कि सब टोटल फॉर्मूला का क्या फायदे हैं और हम इसे किस तरह यूज कर सकते हैं। तो मुझे देखिए क्वांटिटी यहाँ चाहिए, तो यहाँ मैं लगाऊंगा इज इक्वल सब। तो देखिए सब से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, आपको सब टोटल पे आना है, डाउन एरो प्रेस करके ब्लू हो जाएगा वो, देन टैप प्रेस करिए, आपका सब टोटल फॉर्मूला जो है वो ओपन हो गया। जब आप सब टोटल फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आर्ग्यूमेंट्स में आप देखोगे फंक्शन नंबर, ये फंक्शन नंबर आर्ग्यूमेंट्स है और यहाँ इस तरह का लिस्ट आ गया। अब ये लिस्ट का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। सब टोटल फॉर्मूला में आप कई फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप एवरेज है, काउंट है, काउंट ए है, मैक्स है, मीन है, इस तरह बहुत सारे फॉर्मूला। उसके साथ ही हर एक फॉर्मूला का एक नंबर है, कोड है। जैसे कि एवरेज अगर आप यूज करना चाहते हो तो 1 है, अगर आप काउंट यूज करना चाहते हो तो 2 है, काउंट ए करना चाहते हो तो उसका 3 है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी का जो है ना वो टोटल देखना चाहते हैं, यानी कि सम करना चाहते हैं। तो सम का आप देखोगे तो यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है, तो आप चाहे तो सम पे क्लिक डबल क्लिक करो या आप मैनुअली 9 प्रेस करो, इसका कोड को प्रेस करना होगा। तो चलिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए 9 आ गया।
नाइन आ गया, यानी कि हमने सब टोटल फॉर्मूला को ये कह दिया कि हमें सम करना है। देन फंक्शन नंबर हमने दे दिया कॉमा, उसके बाद हमसे पूछा रेफरेंस वन। तो आपको यहाँ उस रेंज को ले लेना है जिस रेंज को आप सम कराना चाहते हो। हम यहाँ 9+ किए हैं यानी कि हम सम कराना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सम कराना चाहते हैं। अगर आप एवरेज का लेते, वन लेते, तो मैं ये कहता कि आप उस रेंज को लीजिए जिसको आप एवरेज निकालना चाहते हो। तो हमें सम करना है इस रेंज का, तो हम इस रेंज को ले लेते हैं इस तरह। देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए आपको 99 शो हो रहा है। ओके चलिए हम अमाउंट का भी कर लेते हैं उसी तरह, इज इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। देन सम के लिए क्या करना है, 9 मैनुअली, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, इस रेंज को ले लेते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ओके सेम आंसर आ रहा है हमारा जैसा कि सम में आया था। अब मान लीजिए मुझे प्राइस का एवरेज निकालना है, सम टोटल क्या, चलिए वो देख लेते हैं। इजिकल सब टोटल, फंक्शन नंबर एवरेज का क्या, देखिए वन, तो हम वन प्रेस करते हैं, कॉमा, इस रेंज को ले लेते हैं क्योंकि इस रेंज का हमें एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो निकी देखिए सबका आंसर हमारा आ गया। अब हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, हम चाहते हैं कि हम जब फिल्टर भी करें ना, तो ये जो आंसर हमारा आ रहा है ये क्वांटिटी का टोटल, जो टोटल ना है जितना का फिल्टर कर रहे हैं हम, जिस जिस प्रोडक्ट का या जिस ब्रांड का, जैसा भी आप फिल्टर कर रहे हो, तो जितना फिल्टर होकर डेटा आ रहा है उतना का ही आपको आंसर शो। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ कीबोर्ड, आप देखिए 99 है। ओके देन ओके प्रेस करेंगे, तो अब आप देखो कि आपका कीबोर्ड का ही आपको क्वांटिटी का टोटल करके बता रहा है 17। देन प्राइस जो है टोटल, इसका एवरेज दिखा रहा है 300, टोटल जो सेल हुआ है कीबोर्ड 5,100 रुपये। ओके तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगेन हम देख लेते हैं डेस्क का और माउस का। ओके अगेन ओके प्रेस करिए, तो आप देख सकते हैं डेस्क का आपको दिख रहा है और माउस का दिख रहा है, टोटल क्वांटिटी आपको दिख रहा है 29, प्राइस दिख रहा है एवरेज का आपका 2,300, टोटल अमाउंट जितना सेल हुआ वो है 81,400। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन सभी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो मैंने किया है सम या एवरेज। आप देख सकते हैं इनमें से आपको जो भी फॉर्मूले का जरूरत है आप उनका कोड प्रेस करके आप उनको यूज कर सकते हो। इसका फायदा ये हो रहा है कि जब हम फिल्टर लगा रहे हैं तो फिल्टर होने के बाद भी वो जितना डेटा हमारे पास फिल्टर होकर आ रहा है उस पर वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है सम फॉर्मूला की तरह जो एक बार हमने रेंज ले लिया तो उसपे ही आंसर आपको देगा। ओके सम तो सब टोटल फॉर्मूला सिखाने का मेरा रीजन ये था क्योंकि इसके बाद जो आने वाली वीडियो उसमें मैं सब टोटल फॉर्मूले का एक एडवांस ट्रिक लाने वाला हूँ आप सभी के लिए, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही काम का होगा। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस ट्रेनिंग फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो जिसमें मैं आपको सब टोटल का एडवांस ट्रिक, बहुत ही यूजफुल ट्रिक सिखाने वाला हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको कुछ मिसिंग लगा, कुछ सजेशन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।